बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जिन लोगों ने इस बार हज का इरादा किया था या जो लोग बहुत बेचैन हैं कि किसी तरह से मौका मिल जाए और उमरा करने का मौका मिले और हम मक्के शरीफ पहुंच जाएं और काबतुल्लाह का दीदार कर लें, तवाफ़ काबतुल्लाह कर लें, सफ़ा मरवा पे सही कर लें, मदीने मुनव्वरा पहुंच के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पे हाज़िरी दे सकें, उन लोगों को एक बहुत ज़रूरी इत्तला देनी थी, इसलिए एक छोटा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ। तीन बातें आपसे इस मौके पर बतानी हैं। सबसे पहले तो एक सऊदी अरब की तरफ से एक न्यूज़ आई है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस बार जो हज होगा उसमें कुल टोटल जो तादाद होगी हाजियों की वो 60,000 लोगों का प्लान कर रहे हैं वो, कि 60,000 लोग हज करेंगे और उन 60,000 लोगों में से 15,000 सऊदी अरब के रहने वाले होंगे जो वहाँ मुकीम हैं और 45,000 सऊदी के बाहर के होंगे। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया में तकरीबन 56 मुल्क तो मुसलमानों के ही हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में से 45,000 लोगों को निकालना, मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान महरूम रहे इस बार। ये मैं यकीन से नहीं कह सकता, अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पे कादिर है, कोई इसबाब पैदा हो सकते हैं, लेकिन जो सर्कुलर आया उसके बारे में मैंने आपको बताया, एक बात। दूसरी जो बहुत अहम बात आपको बताना ज़रूरी है, जिस दिल में ये बात पैदा होती है कि हमें उमरा करने जाना है या हमें हज करने जाना है, तो तकरीबन जाने का कब इरादा होगा इसका तो पता नहीं होता, लेकिन सबसे पहले लोग अपना पासपोर्ट बनवा लेते हैं। जाहिर सी बात है अगर जिसके पास पासपोर्ट है वही इरादा करेगा, अगर पासपोर्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि नहीं जा सकते। जितनी मैं इस बात को जोर दे के क्यों कह रहा हूं कि जितनी ज्यादा अहमियत पासपोर्ट की है इंडिया के बाहर कहीं जाने के लिए, उतनी ही अहमियत अब वैक्सीन की भी हो गई है। सऊदी गवर्नमेंट ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि उमरे के वीजे पे कोई शख्स आएगा या हज के वीजे पे आएगा या विजिट वीजा होगा, एम्प्लॉयमेंट वीजा होगा, वो अपनी कंट्री में उन्हीं लोगों को आने देंगे जिनका वैक्सीन से दोनों लग चुके होंगे और सर्टिफिकेट मिल चुका होगा। तो अब वैक्सीन का मामला क्या है, चार वैक्सीन ऐसी हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये चार वैक्सीन ऐसी हैं जिनको सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। इन चारों में से आप कोई भी लगवा सकते हैं, कौन सी दो बार लगनी है, कौन सी एक बार लगनी है, पूरा मैंने देखिए आपको तफसील इसमें दिखा दिया कि इन चारों में से कोई एक वैक्सीन जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जब उमरे का वीजा अप्लाई किया जाएगा, जाहिर है हज का तो मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि मैंने हज का मुख्तसर बता दिया, उम्मीद ये की जा रही है कि अगस्त के महीने में जो अरबी कैलेंडर के मुहर्रम का महीना शुरू होगा, साल की शुरुआत होगी, ऐसा इशारा मिल रहा है, इस तरीके से पता चल रहा है कि शायद मुहर्रम से उमरे के वीजे की शुरुआत हो सके। जिन लोगों ने उमरा करने का इरादा किया है उनको खास तौर से ये बता दिया जाए कि जब उनका उमरे का वीजा अप्लाई किया जाएगा तो ये जो सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है, आप देख रहे हैं ना, ये जो बारकोड इस पे दिया हुआ है, क्यूआर कोड दिया हुआ है, ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उमरे का वीजा उसी का अप्लाई हो सकता है, क्योंकि जब उमरे का वीजा अप्लाई किया जाएगा तो इसका रेफरेंस उसमें दिया जाएगा, इसको डाउनलोड उसमें किया जाएगा। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि मिसाल के तौर पे आपके दिल में ये तमन्ना अंगड़ाइयां ले रही है कि अल्लाह की मसलहत, अल्लाह जाने अगर हज पे नहीं जा पा रहे तो क्या हुआ, अगस्त के महीने में जैसे ही सऊदी से उमरा शुरू होगा, फ्लाइट शुरू होगी, हम जाएंगे, उस मौके पर उस वक्त आपके दिल को सदमा ना पहुंचे कि अरे हमें तो पता ही नहीं था हम वैक्सीन करा लेते। देखिए आज जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 23 मई है, यानी 7 दिन मई के महीने में है, पूरा जून आपके पास है, पूरा जुलाई आपके पास है। बार बार जोर दे के कह रहा हूं कि अगस्त का महीना आने पे आपके दिल को यह सदमा ना पहुंचे कि काश हमें पहले से पता होता कि उमरा करने के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी था, काश हमने भी लगवा ली होती। लिहाजा हमने आपको तीन अहम बातें हज से मुतालिक बता दिया, कोविड की वैक्सीन कौन कौन सी सऊदी अरब के लिए अप्रूव्ड हुई है उसके नाम आपको बता दिए और किस तरीके का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंने कोशिश की है अल्लाह के घर का इरादा करने वालों को वहां पहुंचने के लिए सहूलियत फराहम करते हुए, आसानियां पैदा करते हुए ये इत्तला आपको दी है। अगर मेरी बात जरा सी भी आपको पसंद आई हो तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपने मोबाइल पे ये जो वीडियो आपने देखा इसे और लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि जिन लोगों ने भी इरादा किया है उमरे का उन तक ये पैगाम पहुंच जाए और वक्त आने पे राहत आफियत खैर और सुकून के साथ वो वीज़ा अप्लाई करें और खुशी खुशी अपने घर से अल्लाह के घर के सफ़र का इरादा करके सफ़र की शुरुआत करें, सरकार के रोज़े पर हाज़िरी देने का शर्फ हासिल हो। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।